फिफ्टी नंबर क्वेश्चन में क्या रखा है कि एन ए पी कॉन्सिस्ट 50 टर्म्स। 50 टर्म्स का मतलब एन का वैल्यू हो गया आपका 50। ओके और क्या गिवन है आपको, व्हिच थर्ड टर्म इज 12, यानी कि ए थ्री थर्ड टर्म इक्वल टू 12। एंड लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब ए 50 ही हो जाएगा क्योंकि एन इक्वल टू लास्ट होता है ना आपका, और एन का वैल्यू 50 दे रखा है, यानी कि ए 50 इक्वल टू 106। क्लियर बात इतना है। हमसे क्या पूछा है, फाइंड 29th टर्म आपको बता देना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सपोज किसको आप पकड़िएगा, तो ए थ्री, यानी क्या लिख सकते हैं इसके लिए, ए प्लस टू डी 12, और ए 50 को लीजिएगा तो क्या कर सकते हैं, ए प्लस 49D इक्वल टू 106। ओके ये रहा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को सॉल्व कर लीजिए एलिमिनेशन रूल से, माइनस 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 ये आपका ऑलवेज कैंसिल होता है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ये आपका 47D आ जाएगा, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ये आपका 94 आ जाएगा। ओके माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, 47 से 94 भी कैंसिल, कितना आ गया बच्चों, डी का वैल्यू आ गया आपका 2। अब लिखते हैं अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में ए प्लस 2D दे रखा था, तो ए प्लस 2D का मतलब 2 मल्टीप्लाई विथ 2 इक्वल टू 12, डैट मीन्स ए का मान कितना हो जाएगा, ये 12 में से 2 दुनी का 4 घटेगा इधर, तो आपका बचेगा कितना, 8, ए का वैल्यू हो गया आपके पास 8। ओके अब चलिए आगे, हमसे क्या पूछा है, 29th टर्म हमसे पूछा है A29। तो A प्लस 28D के लिए आप लिख सकते हो आराम से, लिख लीजिएगा, तो A का वैल्यू मेरे पास आ चुका है 8, तो 8 प्लस 28 का 28, और D का वैल्यू 2, तो 8 प्लस 28 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 56, और दोनों को जोड़ दीजिएगा 64, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।